जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। और हम बताना चाहेंगे कि मोबाइल आया था, हमारे पास फ़ोन सूचना लगी थी कि दो लोगों ने चोरी किया दोस्तों। और जिसमें से एक चोर तो बताया जा रहा है, ऐसा फोन आया था हमारे पास, चाकू बताकर भाग गया, और दूसरा उसका साथी है वो उसको पकड़ लिया गया लोगों ने। और हम दोस्तों अभी लाइव दिखाएंगे उसको क्या घटना है क्या नहीं है। और लोगों ने, लेकिन हमारे पास फ़ोन आया था मऊ कला में दो लोग थे जो चोरी करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन वो चाकू बता गया, उसका साथी भाग गया और एक लोगों को लोगों ने पकड़ लिया। आइए मामला करते हैं, क्या मामला है क्या नहीं है हम आपको दिखाएंगे लाइव दोस्तों। और ये है मऊ कला कौन सी मऊ है और क्या मामला है इसको और क्यों लेके गया साहब, ये जोगे कट्टे लेके गया है अभी। आपका क्या नाम है? अंकुश कुमार जोशी। और क्या घटना है, क्या मामला है? जोगे कट्टे लेके गए इसको, जब हमने पकड़ा तो इसका एक साथी चक्कू दिखा के और वो फरार हो गया, और ये जिसको पकड़ा गया ये से कहाँ का भाई? गोले का बिने का। पापा क्या नाम है तेरा? परशुराम मीना। तेरे साथी कौन था? दीपक गोलू सखीपुरा का। अच्छा, उसमें क्या किया तो आप लोगों ने क्या किया? उसने बोली थी कि मेरा रूम है भैया, और इसलिए मेरे रूम पर चलाया दोही करवे के लिए चले, और वहाँ पर के मैंने रूम ले रखा 1500 रुपये। पहले वो उसको पता था, लेकिन पहले वो कट्टा ले आया एक कट्टा, फिर क्या मेरा रूम है इसलिए दोनों ले चलते अपन चल। मैं छोटा सा कट्टा मैं लेके आया था, और बड़े कट्टे को लेके आ गया वो, और कट्टा कुछ पटक गो, लेकिन यह भाई कुछ चक्कू दिखा के वो फरार हो गया सखीपुरा का दीपक। और इन्होंने मुझे आवाज़ मारी थी, मैं रुक गया और वो फरार हो गया। और वो पैंडल वाली बात, पेंडल टूटा था, एक महिला का क्या हुआ? कल एक महिला का पेंडल चोरा गया था। क्या हुआ था? तोड़ा या चोरा? तोड़ा था, यहाँ लाइन पे तोड़ा गई थी, चाकू लगा के पेंडल तोड़ लिया। आप बता क्या मामला हुआ, महिला का क्या मामला था पेंडल तोड़ने का? वो गेहूं को कट्टा ले भाई कहीं यहाँ चयनित का गेहूं जी, और उसका यहाँ लाइन पे ही उसको अकेले को चाकू दिखा करके पेंडल तोड़ के लेके भाग गई। ये था क्या मामला है उसका? मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन वो दीपक हो सकता है 100% उन्होंने पहचान लिया मेरे बारे में, तो उन्होंने पहचान लिया था, उनको पकड़ा था तो देख के उनको पहचान लिया। पेंडल किसका तोड़ा गया था? एक महिला थी। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? वो इधर डांग कैलादेव डांग साइड की, वहाँ पे रेंट से रहती है किराए से, तो उनको क्या पेंडल तोड़ा था उनका, कल इवनिंग को कट्टे लेने आई थी गेहूं के वगैरह कुछ, तो फिर उनको देख के पहचान गई थी, बोला यही वो तोड़ने वाले ना। गंगापुर श्री का दोस्तों मऊ कला में इसको कथाकथित जो शायद नशा करता है, क्या क्या पूछो क्या क्या नशा करता है? खरीदिए आज इसमें पिए मऊ से भरतू बेचता है मऊ का, इसमें मऊ से लिए था ना, आज भरतू से लिए आज वो मऊ से रोज का इस क्वार्टर में आके पीते हैं। आज क्या क्या सामान गया है ये बता? आज तो गेहूं का कट्टा भी गया है तोड़ने का, गेहूं का कट्टा और मंगलसूत्र तोड़ने का। क्या तोड़ा है वो? कल पकड़ में आ गए कल तोड़ के ले गए थे, और लोग बाग शायद इंतजार कर रहे थे इसका, दूसरी वारदात करने का इंतजार कर रहे थे, आज पकड़ में आ गए। और कितने लोग थे ये? दो थे आज तो दो ही था ये, और दूसरा वो चाकू दिखा करके भाग गए चाकू के जोर पे। एक और बैठो है हम इसमें, अच्छी बैठो अंदर ही पन्नीन पे अंदर अंदर ही। नाम पता पूछने से एक बार दोबारा, और कौन कौन शादी थे इसके? मेरा नाम राहुल कुमार मीणा, गांव बनेगा सनो परशुराम मीणा, बनेगा घोड़े का बनेगा। ऐसा क्या क्यों काम करता है तू? तेरे घर वाले भी तो परेशान रहते होंगे। नंबर क्या है तेरा? 80-94-30-85-48। अरे तेरे घर वाले भी तो परेशान रहते होंगे तेरे से, ऐसे कहाँ क्यों काम कर रहा है? रहते परेशान, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी बीवी भाग गई दूसरे, मतलब किसी और जगह भेज दी, मेरी मम्मी खत्म हो गई घर पे, ये लक्ष्य की वजह से मैं और पापा ही है, दोनों घर पे बहन जी है, उनकी शादी कर दी, जो बच्चे हैं उनके पास,
और बीबी दूसरी जगह दूसरी जगह पे भेज दी मैसेज कुंजले में, उन्होंने पैसे लेके क्यों भेज दी, क्यों भेज दी? लक्ष की वजह से, और उन्होंने लक्ष की वजह से नहीं पहले पीता था, लेकिन अब हम पैसा दे भाई बिनकू जब तो भेज दे भाई, और नहीं तो नहीं भेजे। पीता कितने दिन से? डाबड़ा की कितने दिन से नशा करता है? दो तीन साल हो गए मुझे पीते हुए। तो ये कितने का डेली का खर्चा करता है? 1000 रुपए। 1000 रुपए डेली का? तो आते कहाँ से? पापा, पापा देता है मेरा। हा? पापा मेरे पिताजी देते, मतलब सट्टे की खाई है, सट्टे की खाई लेते हैं। अच्छा वापिस सट्टे की खाई लेते हैं हम, गेम वगैरह आता है तो 10% कमीशन बनता है, जो उसमें 10000 रुपए बन जाते हैं डेली के, 1 लाख रुपए का गेम आता है तो। और इस वजह से मेरे पापा मुझे पैसे देते थे रोज के, तो सट्टा गेम चलाते थे हम पहले, अब वो बंद हो गया, इसलिए मेरी मैसेज भी गई दूसरी, मतलब दूसरी जगह भेज दी उन्होंने। और अब दादी है, वो दादी भी गांव में गई, मेरी मम्मी पहले ही भाग गई, पिताजी को छोड़ गए बचपन में, परिवार खत्म है, मैं और पापा दोनों है बस। अभी तो क्या पापा खत्म हो गया मेरा? के मऊगला में इस व्यक्ति को लोगों ने पकड़ रखा है, और इसका साथी है जो बताया कथा साथी है जो भाग गया चाकू दिखाकर, और क्या क्या सामान गया वो भी हम पूछेंगे। आज क्या किया थे? इकट्ठा लेके आ रहे थे उससे कमरे पे से, उससे पहले भी क्या लिया? उससे पहले क्या लिया था? एक तो भगोनी ली थी तूने, एक कढ़ाई ली थी तूने, कढ़ाई और भगोनी चूल्हा, हाँ, और छोटा सिलेंडर उसने पहले से रख रखे थे यहाँ पर, वहाँ से लाए थे उनको, उसके कपड़े भी रखे वहाँ से लिए थे, पहले रखे थे ऑलरेडी, मेरा मार पड़ा था, कहाँ से लिया था वो सामान? यहीं रखे थे ऑलरेडी पहले ही, यहाँ कपड़े रखे हैं ना। अब कहाँ है? अब कहाँ है? उसको भरतू को दे दिए। भरतू कौन है? भरतू कौन है? भरतू मऊकला में। कौन है? मऊकला में दे दिए भरतू को, जिससे इसमें ली थी। हाँ, जिससे इसमें गली थी उसको सिलेंडर कढ़ाई उसको दे दिए भरत सिंह गुजर मऊकला। और ये गंगा पुष्पी में कितने कौन कहाँ कहाँ से इसमें खरीदते हो आप? यहीं से खरीदते हैं भरत सिंह गुजर से, और मार्केट में भी बेचती है, काफी मार्केट में भी बेचते हैं। मार्केट में कौन कौन? मार्केट में तहसील पे फवारे पे बेचते हैं। फवारे पे कौन बेचता है? वो बोल आमीन बेचता है फवारे पे, और मिर्जापुर में लाल दिन नाम का है वो बेचता है, और जो एक शाहरुख नाम का है वो भी बेचता है फवारे पर, और निम्मो नाम का है वो भी बेचता है सालों फवारे पर। निम्मो? हाँ। और दीपक सकीपुरा का, उसने पहले यहाँ ऑलरेडी सिलेंडर चूल्हा कढ़ाई और वो रख रखे थे, मेरे से बोली थी कि भैया मेरे खुद के है ये, कमरे पे लेके आया हूँ, जो इनको भरत सिंह गुजर को देखे हमने स्मैक ले ली उससे, और फिर स्मैक पी के हम वहाँ कट्टे लेके आ रहे थे, तो फिर मैं तो रुक गया, मुझे रोका था तो, और वो भाग गया कट्टे को लेकर, फरार हो गया वो, मैं तो रुक गया, मुझे रोका था कि रुक जा भाई, तो फिर मैं तो रुक गया, और दीपक सखीपुरा वो फरार हो गया कट्टे को लेकर। गंगापुर में सबसे बड़ा जो नशे का कारोबार करते हैं सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? यहाँ पर वो ही पूछता है भरत सिंह गुजर मऊकला। और बड़ा बड़े बड़े कहाँ से लाते हैं? क्या पता है ऐसे तो। डेली का कितने का शौक करता है? 500 रुपए का। 500 का? तो कहाँ से आते हैं वो पैसे? पिताजी देते मेरे। हाँ, पिताजी देते मेरे। और ये जो आज तेरे घटना की है, क्या क्या आज? आज मैंने उसके चक्कर में पड़ गया, उसने आज मैंने किसी के कमरे पे चोरी तो करी नहीं, लेकिन उसने सामान रख रखा था, वही सामान लेके गया था मैं उसको, जो भरत सिंह गुजर वहाँ देके आया था, उसके बदले इसमें लेके आया था, और नहीं तो मुझे तो मेरे पिताजी देते हैं गाँव में पैसे, इसलिए मैं तो गाँव से आता हूँ। ये बात है, देख रहे दोस्तों, फिलहाल इसको लोगों ने पकड़ रखा है, और ये व्यक्ति नशे का शायद आदि है, और इसने आज मऊकला में, और ये मंगलसूत्र तोड़ने का क्या मामला था?
मंगलसूत्र के बारे में कल की वारदात है, मंगलसूत्र तीन जाने थे, वो पता नहीं, हम तो उसके मंगलसूत्र में थे नहीं, लेकिन मैं तो था नहीं उसमें। मंगलसूत्र किसका? क्या देवी डांग की लेडीज थी, वो रूम रेंट से रहती थी यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ में, तो वो क्या है कि गेहूँ लेने इधर मार्केट की तरफ आई थी, तो उनको चक्कू दिखाकर उनका मंगलसूत्र तोड़ लिया, ये था उनका साथी, थे फिर वो आज पकड़ा तो उन्होंने पहचान लिया, कल इन्होंने मेरा मंगलसूत्र भी तोड़ा है। मैंने पहचाना है इनको ना, मंगलसूत्र कहाँ बेचा? नहीं मैं नहीं था भैया, उसके बारे में बचा नहीं रहा है, उन्होंने पहचान लिया, बोला ये भी था कल उनके साथ वो महिला शायद उधर वहाँ पे, उन्होंने पहचाना भी है इनको ना, उनको उस महिला को बुलवा लो ना एक बार, माई बुला ले उनसे, माई बैठी है क्यों, माई चल रहे उधर लेके, चलो भैया बैठो घर पे बैठो, लाइव बंद कर लो। देखना दोस्तों फिलहाल इसको जो मंगलसूत्र स्कूल उतरा है उसकी महिला के पास भी ले जाया जा रहा है। हाँ सर, वो महिला कह देगी यहाँ इसलिए।